हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। जैसा कि फ्रेंड आज बात करने वाले हैं बढ़ती हुई महामारी और बढ़ते हुए कोरोना वायरस के बारे में, जिसका वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कैसे और कहां से करा सकते हैं। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि आपको इसका ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन कैसे और कहां से करवाना है और किस प्रकार से इसका सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार छोटी सी रिक्वेस्ट, जो लोग इस चैनल पर नए हैं कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि हमारी नई वीडियो आपके पास जल्द से जल्द तक पहुंच सके। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन हम दो तरीके से आपको करना बताएंगे। एक वेमटेक CSC के माध्यम से, जिसे आप CSC वालों से ही करवा पाएंगे, और सेकंड स्टेप फ्रेंड्स हम बताएंगे आपको एक आसान तरीके से बगैर CSC के, बगैर डिस्ट्रिक्ट सेवा के आप स्वयं ही अपना वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोनों बातों पर चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। पहले फ्रेंड्स CSC के माध्यम से वाला बताते हैं। सो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र में आ जाना, अपने CSC ID के मेन पेज पे, होम पेज पे आ जाना है। CSC के मेन पेज पे आने के बाद अपने यूज़र ID और लॉगिन ID पासवर्ड को यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करते हुए लॉगिन कर लेना है। पासवर्ड और ID को एंटर करने के बाद जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, आपके CSC यूज़र ID खुल के आ जाती है, जहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे डैशबोर्ड में मिल जाता है COVID-19 वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन, और साथ ही मिल जाता है टोटल वैक्सीन रजिस्ट्रेशन। तो सिंपली आप COVID-19 वैक्सीन पर रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है, देन आपको खुलता है डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे आपको COVID-19 का ये आपका फ़ोटो मिल जाता है देखने के लिए, थंबल, और उसके बाद अपनी यूज़र ID को यहाँ पर हम लॉगिन कर लेते हैं। तो फ्रेंड, वैक्सीन का सबसे पहला स्टेप हमारा आ चुका है, जहाँ पे सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, वह मोबाइल नंबर जो आपके सुचारू रूप से कार्यरत है, जिस पे OTP तुरंत हमें प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले हम एंटर करते हैं अपने मोबाइल नंबर और सिंपली इसे सेंड OTP बटन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम सेंड OTP बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल पे एक OTP सेंड होगा, जिसको यहाँ पे आपको एंटर करना है। थोड़ा फ्रेंड्स OTP का हो सकता है वेट करना पड़े, सर्वर बिजी होने के कारण OTP का वेट भी करना पड़ सकता है। यहाँ फ्रेंड्स हमारा OTP आ चुका है। OTP आने के बाद फ्रेंड्स सिंपली इस OTP को यहाँ पे एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद सिंपली इसे वेरीफाई बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसे वेरीफाई करते हैं तो यहाँ पे मेंबर लिस्ट बनाने के लिए ऑप्शन आता है। सबसे पहले फुल नेम आपको एंटर करते हुए यहाँ पे आपको अपना फुल नेम एंटर करना है, उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ एंट्री करनी है। फ्रेंड्स डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे कम्प्लीटली पूरा नहीं डाल सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ में ओनली आपका ईयर रहेगा, किस सन में आप पैदा हुए हैं वही आपको सिंपली यहाँ पे डाल लेना। अगर आपका जन्मतिथि 1997 है तो सिर्फ आप 1997 ही डालेंगे, और यदि 1998 है तो 1980 ही डालेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जेंडर चूज़ करना है। जेंडर में चूज़ करने के बाद आपको सिंपली गवर्नमेंट ID टाइप डालना है। गवर्नमेंट ID टाइप में फ्रेंड्स आप पैन कार्ड, आधार कार्ड और भी एक दो डिटेल्स है जो आप लगा सकते हैं। तो सिंपली फ्रेंड्स आधार कार्ड को यहाँ एंटर करना है। आधार कार्ड के जो लास्ट 4 डिजिट है फ्रेंड्स, सिर्फ वही आपको यहाँ पे एंटर करना है, और जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका 1 मेंबर यहाँ पे ऐड हो जाता है बहुत आसानी तरीके से। फ्रेंड्स हमारा यहाँ मेंबर ऐड हो चुका है। इसके बाद हम इसका अपॉइंटमेंट और शेड्यूल को बुक करने के लिए शेड्यूल वाले बटन पर सिंपली क्लिक करते हैं। इससे ज़्यादा अगर मेंबर को आपको ऐड करना है तो यहाँ पे नीचे ऐड न्यू मेंबर का ऑप्शन मिल जाता है फ्रेंड्स। यहाँ फ्रेंड्स शेड्यूल वाले बटन पे क्लिक करते ही आपको दो तरीक़ों से यहाँ पे वैक्सीन का स्टॉल चेक करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। एक फ्रेंड्स या तो अपने एरिया का पिन कोड आप डाल सकते हैं। जैसे ही आप एरिया का पिन कोड डालते हैं, सर्च बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, जहाँ पे 18+ और साथ में 45+, फ्री वैक्सीन, पेड वैक्सीन का दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। जो आपको सूटेबल लगता है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। सेकेंड फ्रेंड ऑप्शन मिल जाता है आपको सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट से। डिस्ट्रिक्ट अपने ज़िले को चुनकर ही आप डायरेक्टली वैक्सीन का यहाँ पता लगा सकते हैं कि कहाँ कहाँ वैक्सीन खाली है, कहाँ कहाँ का स्टॉक आपका अवेलेबल है, भी है फ्री का है, पेड का है। फ्रेंड्स ये सभी जानकारी यहाँ से अब मिल सकती हैं। देन सिंपली फ्रेंड्स हम सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट करते हैं। ये फ्रेंड्स जो रेड का सिंबल बता रहा है वो फ्रेंड्स बुक्ड हो चुका है, आप यहाँ पे दोबारा बुक नहीं कर सकते। यहाँ पे 01 डोज के लिए 00 ऑप्शन हो चुका है, जहाँ पर आप बुक नहीं कर सकते। सो फ्रेंड नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट से। डिस्ट्रिक्ट से सर्च करने के लिए सिंपली आप डिस्ट्रिक्ट बटन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट को चूज़ कर लिया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके बाद आपको पूरी लिस्ट मिल जाती है आपके ज़िले की, जहाँ जहाँ आपका वैक्सीन लगने वाला है, जहाँ जहाँ आप वैक्सीन के लिए आवेदन कर सकते हैं। सो अगर फ्रेंड्स आप 14+ हैं तो 14+ का वैक्सीन का आवेदन कर सकते हैं, 18+ है तो 18+ का भी वैक्सीन का आप रजिस्ट्रेशन यहाँ से आवेदन कर सकते हैं, लेकिन तभी जब 18+ फ्रेंड्स अगर खाली होता है तो।
सो फ्रेंड्स, जैसे ही आपको अपना शेड्यूल मिल जाए, जैसे ही आपको खाली स्थान मिल जाए जहाँ पे आपकी वैक्सीन अवेलेबल है, तो आपको सिंपली उसी ग्रीन वाले ऑप्शन पे, ग्रीन वाले नंबर पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे आपका वैक्सीन का ये डिटेल यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। डू यू वांट टू बुक, आप बुक कर चुके हैं इसको, तो फ्रेंड्स सिंपली आपको यहाँ पे मिल जाता है सिलेक्ट टाइम स्टॉल। तो टाइम स्टॉल को चूज़ करने के लिए यहाँ पे आपको चार टाइम का ऑप्शन दिया जाता है, मॉर्निंग में, मॉर्निंग के बाद फ्रेंड्स, उसके बाद सेकंड मीटिंग फ्रेंड्स शाम का टाइम, जहाँ पे आप एक भी टाइम को चूज़ करके आप सिंपली इस कन्फर्म बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये आपका अपॉइंटमेंट सक्सेसफुली बुक हो जाता है। जहाँ पे आपका एड्रेस है, जहाँ पे आपके अपॉइंटमेंट बुक है, वहाँ का पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाता है। देन इसके सर्टिफिकेट को सिंपली यहाँ पे डाउनलोड करना है, जिसे आप जाते वक्त साथ में ले चुके जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स सर्टिफिकेट डाउनलोड जो होता है वो कुछ इस प्रकार का है, जहाँ पे आपकी डेट, टाइमिंग और परफेक्ट टाइम स्टॉल, प्रिफेयर टाइम स्टॉल जो आपका है, जिस टाइम में आपको वैक्सीन लगने वाला वो टाइम, और साथ में आपका नाम, रेफरेंस नंबर और स्ट्रीट कोड और आधार कार्ड का नंबर। आपको फ्रेंड्स फोटो आईडी के लिए आप आधार कार्ड हमेशा आप वैक्सीन लगवाने जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पहला स्टेप, पहली तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करवाना। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि बिना CSC के, बिना यूज़र आईडी के आप किस प्रकार से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहे फ्रेंड्स, ताकि कोई भी एक स्टेप आपसे छूट ना जाए। सो फ्रेंड्स आते हैं सेकंड स्टेप पे। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको सेम वही प्रोसेस अपनाना है फ्रेंड्स, सेकंड टाइप से जैसे प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहाँ पे आप डायरेक्टली वहाँ पे क्लिक करते ही अपने सेकंड स्टाइल में आ जाते हैं, जहाँ से आपको बिना यूज़र आईडी के ही आप वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो देन सबसे पहले हम उसके आते हैं मेन पेज पर। मेन पेज पे आने के बाद सिंपली आपको नंबर एंटर करना है। नंबर एंटर करने के बाद आपको सिंपली वही प्रोसेस को दोहराना है, गेट OTP के लिए यहाँ पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपके नंबर वही OTP फिर से दोबारा आता है, इसे एंटर करने के बाद इसे सिंपली वेरीफाइड करना है। वेरीफाइड करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं चार मेंबर के ऑप्शन, जहाँ पे एक मोबाइल नंबर पे आप चार मेंबर को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे रजिस्टर्ड मेंबर बटन पे क्लिक करना है और सिंपली अपनी आईडी टाइप को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आईडी का यहाँ पे पूरा नंबर लिखना है। आपने आधार कार्ड चूज़ किया है तो आधार कार्ड के पूरे नंबर यहाँ पे आपको एंटर करने हैं, 12 डिजिट का नंबर आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। देन इसके बाद आधार कार्ड पे जैसे जैसे आपका नाम की स्पेलिंग है, तो सिंपली इस स्पेलिंग को यहाँ पे देखते हुए अच्छी तरीके से यहाँ पे लिख देना है। लिखने के बाद सिंपली फ्रेंड्स जेंडर को चूज़ करना है। उसके बाद आधार कार्ड का फॉर्मेट में आपको सिर्फ डेट ऑफ बर्थ का वही ईयर लिखना है। ईयर लिखने के बाद आपको सिंपली रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सिंपली आपका एक मेंबर यहां पे ऐड हो चुका है, और सिंपली उसी तरीके से आपको यहां पे पिन कोड के थ्रू और सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट के थ्रू यहां पे सर्च करने का ऑप्शन मिल जाता है, और वैक्सीन का शेड्यूल आप बुक कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत ही धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें, और फ्रेंड्स अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि वे अपने रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करा लें और अपने आप को कोरोना मुक्त कर सकें।